good morning students today we learn unit 2 poem after a bath now let's start after my bath i try 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 to wipe myself till i am dry 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 you can see this boy he is telling that after a bath nahane ke bath. आई एम ट्राइंग टू वाइप माई सेल्फ़ कि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को पहुँचूँ टिल आई एम ड्राई जब तक मैं पूरा सूख ना जाऊँ बॉडी पर जो पानी लगा है वो पूरा सूख ना जाए हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज हैंड्स भी पहुँचने हैं फिंगर्स हैं टोज हैं वो भी पहुँचने हैं टू वेट लेग्स जो नहाने के बाद लेग्स हैं वो गीले हो गए हैं एंड ए शाइनी नोज और जो शाइनी नोज है ये सब बॉडी पार्ट्स को भी टॉवल से सुखाना है जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कड शेक शेक शेख नाव ही इज इमेजिंग वो ऐसा सोच रहा है कि अगर डॉग होता मैं तो कितना कम टाइम लगता क्योंकि डॉग को तो पहुंचना नहीं पड़ता टॉवल से वो अपनी बॉडी को सिर्फ शेक करके ही सुखा लेता है तो इस पोएम में यही है बेटा द बॉय ही टेल्स कि उसको अपने फिंगर्स टोज टू वेट लेग्स दो लेग्स हैं जो गीले हैं शाइनी नोज है उसका उन सबको क्या करना है टॉवल से पहुँचना है सूखा करना है जो बॉडी नहाने से गीली हो गई है और उसी के ऊपर वो सोचता है कि अगर वो डॉग होता तो कितना कम टाइम लगता वो कैसे सूखा लेता अपने आप को सिर्फ शेक करके आई होप आप सबने डॉग को देखा होगा जब गीला हो जाता है या उसको निलाने के बाद फिर क्या होता है वो इतनी जोर से अपनी बॉडी को शेक करता है कि उसको टॉवल का यूज़ ही नहीं करना पड़ता एंड रिमेंबर वन थिंग दिस पोएम यू हैव टू लर्न ये पोएम आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है और उसको लर्न भी करना है इट्स वेरी ईजी एंड लेट्स रीड वंस अगेन चलो फिर से रीड करते हैं After my bath, I try, try, try to wipe myself till I am dry, dry, dry. Hands to wipe and fingers and toes, and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I had take if I were a dog and could shake, shake, shake. इस तरह से आपको पोएम बार बार पढ़नी है और लर्न करनी है और नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में लिखनी भी है थैंक यू बेटा